वहीं कुशीनगर से रामकोला बीजेपी विधायक रमानंद बौद्ध को जिला न्यायालय ने जेल भेज दिया है, जहां कुशीनगर न्यायालय में एक पुराने मामले को लेकर जिला जज और सत्र न्यायालय में अपनी जमानत के लिए आए रामकोला क्षेत्र के विधायक रमानंदन बौद्ध को जेल जाना पड़ा। बता दें कि जिस मामले में वो न्यायालय के सामने उपस्थित हुए उसमें तो उनको जमानत मिल गई, लेकिन बीते अगस्त महीने में एक घटनाक्रम में आरोपी बनाए गए मामले में विधायक को कोर्ट ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद उन्हें देर शाम देवरिया जेल भेज दिया गया। वे अचानक एक महीने के चर्चित मामले में जेल भेजे जाने की प्रक्रिया से राजनीतिक खेमे में खलबली मच गई है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमकुरीहार्ज के क्षेत्रीय विधायक अजय लल्लू ने इस पूरे मामले को सदन में उठाने की बात भी कही है। हम सबका अधिकार है कि जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, और अगर एक विधायक किसी विषय को लेकर जानकारी प्राप्त होने के बाद किसी मौके पर जाते हैं और उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, काफ़ी ग्रामीणों पर भी मुकदमा लिखा गया जगदीशपुर की घटना में, निश्चित ये कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत के नाते आवाज़ को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया है। न्यायालय का निर्देश है, चूँकि न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, फिर भी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और इस मुद्दे को विधानसभा में जगदीशपुर की घटना को उठाया जाएगा। अभी मुझसे जो नौरंग सिंह यहीं इस कचहरी में मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको तो एक हफ्ते में चार्जशीट तक लगाकर पुलिस ने भेज दिया। जिस गलती को पुलिस ने किया, एक शरीफ व्यक्ति को गांजा के अंतर्गत चालान करने का काम किया, अगर लोगों ने विरोध किया, प्रतिकार किया था, तो निश्चित प्रशासनिक अफसरों को उसको ध्यान देना चाहिए था, उस पर जांच करनी चाहिए थी, लेकिन बिना जांच के आधार पर उस व्यक्ति को दोषी बनाते हुए चार्जशीट तक देने का काम किया।